गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SPC गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। हम लोग BSc पार्ट थर्ड में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक गैगनार्ड रिएजेंट, RMGX, दूसरा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स पढ़े थे। आज हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनो लिथियम यानी ऑर्गेनिक यानी कार्बन और लिथियम का बॉन्ड होगा। लिथियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अदर एल्कली मेटल्स नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं। तो पर ये एक डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है। किसके साथ करता है अपना डायगोनल रिलेशनशिप? ये मैग्नीशियम के साथ। तो ये कह सकते हैं, देयरफॉर लाइक मैग्नीशियम, लिथियम फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल एराइल्स व्हिच आर वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो लिथियम, एल्काइल्स और एराइल साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस में और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में काम आता है। पहला, अब पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन, हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। जब एल्काइल और एराइल हैलाइड को, जो कि ज़्यादातर क्लोराइड्स होते हैं, जो लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं 0 से -78 डिग्री नाइट्रोजन टेम्परेचर, इज एन इनर्ट एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन और आर्गन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और ईथर। ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक। इनर्ट एटमोसफियर, अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन का तो रिएक्ट कर जाएगा, तो इनर्ट यानी जो वो किससे मिलती है, नाइट्रोजन और आर्गन से। अब देखिए, इसके अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन था हमारा, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर्स गिव एल्काइल और अराइल लिथियम कंपाउंड्स। देखिए, एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड जब लिथियम के साथ लो टेम्परेचर, जो कि हमने कहा 0 से -78 डिग्री, जो कि इनर्ट एटमोसफियर नाइट्रोजन का है, आर्गन है, ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, इसके साथ तो ये आर एल आई यानी एल्काइल लिथियम या अराइल लिथियम और ये लिथियम हैलाइड्स। दूसरा रिएक्शन, तो ये पहला हो गया कि एल्काइल हैलाइड से लिथियम के साथ रिएक्ट करके हम एल्काइल लिथियम यानी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है बाय हेलोजन मेटल एक्सचेंज, हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज। देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पे एक रिएक्शन है फिनाइल आयोडाइड C6H5 फिनाइल, दूसरा है एन ब्यूटाइल लिथियम, तो इसमें हेलाइड और लिथियम ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा फिनाइल लिथियम और ये आ जाएगा एन ब्यूटाइल आयोडाइड या आयोडो ब्यूटेन। तो इस तरह से ये एक्सचेंज हो गया हेलोजन और मेटल का, तो इसे बोलेंगे हेलोजन मेटल एक्सचेंज। तो ये दो रिएक्शंस हो गई। तीसरी रिएक्शन है बाय मेटल मेटल एक्सचेंज, मेटल से मेटल एक्सचेंज करेगा। अब देखिए, ये एराइल लिथियम कंपाउंड्स है और ये टेट्राविनाइल स्टेनेट टिन SN10, तो इसमें मेटल मेटल का हमने, तो ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए, विनाइल लिथियम कंपाउंड्स CH2 डेवलपमेंट से लिथियम और टेट्रा एराइल स्टेनेट, तो ये कंपाउंड्स टिन, इस तरह से ये मेटल मेटल एक्सचेंज कंपाउंड्स। फिर है बाय डायरेक्ट मेटलेशन, यानी डायरेक्ट मेटलेशन से, कैसे, साइक्लोपेंटाडाइन। ये देखिए, साइक्लोपेंटाडाइन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। जब इसको एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है, एराइल लिथियम भी बोल देते हैं, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ये दोनों, तो ये एक्सचेंज करता है लिथियम यहाँ जाके, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम कंपाउंड बना रही, बेंजीन बन गया। तो इस तरह से ये चार इसकी रिएक्शंस हो गई। चारों रिएक्शन एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह से होगी। तो देखिए, पहला रिएक्शन रहा हमारा कि भाई एल्काइल एराइल हैलाइड पे लिथियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, इनर्ट लो टेम्परेचर रहेगा, इनर्ट एटमोसफियर रहेगा, ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रहेगा, RLI और ARLI। दूसरा होगा हेलोजन मेटल एक्सचेंज, इसमें हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज रहेगा। तीसरा है मेटल और मेटल एक्सचेंज, जब मेटल से मेटल का एक्सचेंज करेंगे। चौथा है कि जब हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल यानी जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, वहाँ से लिथियम कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे और साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम कंपाउंड्स बनेंगे। अब रिएक्शन आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइल और एराइल लिथियम्स आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं,
They are soluble in hydrocarbons, highly volatile, may be sublimed in vacuum. They are very reactive to water and extremely flammable. Due to the small size of lithium and high polarization energy, polarization बहुत ज़्यादा करता है, strong bond polarization, alkyl aryl lithium exists as a polymeric aggregation of two or more molecules. एक में नहीं मिलेगा, ज़्यादा molecules से मिलेगा ये, small size of polarization के कारण. अब हम देखते हैं इसकी chemical reactions. इसकी reaction Grignard reagents की जैसी ही है, क्योंकि aryl और alkyl lithium compounds extremely reactive है और ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स से प्रिपेयर किए जा सकते हैं. तो इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स. देखिए, हमने पहले पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रीजन में एक्टिव यानी जिनके पास हाइड्रोजन होते हैं और इससे सिंथेसिस होते हैं एल्केन्स और एरीन्स. देखिए, आर एल आई और ये आर डैश सी ओ एच, तो इसका ये एच आर एच ये हाइड्रोकार्बन बन गया, आर सी ओ एल आई. यही एल्कोहल के साथ, एल्कोहल से एक्टिव हाइड्रोजन लिथियम के पास चला गया और ये बन गया आर एच और आर डैश ओ एल आई. इसी तरह से वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके आर एच बनाएगा एल आई ओ एच. इसी तरह जब एराइल होगा तो एराइल के साथ भी बेंजीन कंपाउंड ये बनाएगा. तो इस तरह से ये होगा कि जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है उनके साथ एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, लिथियम उससे निकल जाएगा और उसका हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोजन एल्काइन ग्रुप के साथ जुड़ के और ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा. तो ये रिएक्शन होगी. वाटर के साथ भी हम कह सकते हैं सी एच थ्री एल आई, वाटर के साथ सी एच फोर एल आई ओ एच. ये टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम है, इसके साथ सी एच थ्री ओ एच, तो इसके साथ भी यहाँ एच आ जाएगा आइसोब्यूटेन और सी एच थ्री ओ एल आई. तो इस तरह से हमें हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बनेंगे. तो हमारा एक रिएक्शन हुई. अब एक रिएक्शन है कि रिएक्शन विद हैलोजन्स, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स फॉर्म कैसे होंगे, सिंथेसिस कैसे बनेगी. देखिए, एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स को जो हैलोजन के साथ एक्स टू, ज़्यादातर क्लोराइड्स बनाते हैं इनके साथ इसकी रिएक्शंस होती हैं, तो आर एल आई और ए आर एल आई और एल आई एक्स टू. तो इस तरह से ये हैलोजन्स के साथ रिएक्शंस यानी अभिक्रिया करते हैं. अब कंपाउंड है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स. देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की तरह है, ज़्यादातर ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ एल्कोहल बनाएंगे. एल्कोहल भी किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. पहले तो ये रिएक्शन कि भाई ये रिएक्शन कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल देगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल देंगे और कीटोन टर्शरी एल्कोहल देगा, जो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा था, बिल्कुल उसकी तरह ही यही रिएक्शंस. अब देखिए, इस रिएक्शन को पुनः एक बार बता देता हूँ मैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह देगा, लिथियम कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करेंगे और एल्कोहल बनाएंगे, OH ग्रुप बनाएंगे और इसके अंदर जो प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ये आपका प्राइमरी एल्कोहल देगा. इसके अलावा अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे और कीटोन टर्शरी एल्कोहल बनाएगा. तो इस तरह से देखिए, RLI ये फॉर्मेल्डिहाइड है, देखिए ये टूट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ आ गया RLI और हाइड्रोलिसिस करके प्राइमरी एल्कोहल. अब ये आर डैश इस एच का रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से आर से, तो यहाँ पे एक ई आर आ गया इस कार्बन पे, तो ये रिड्यूस हो गया, तो यानी ये सेकेंडरी एल्कोहल. अब ये कीटोन्स है, देखिए कीटोन्स है ये, तो कीटोन्स के अंदर जब ये आर, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके अंदर आर इस कार्बन पे और एल आई ऑक्सीजन के साथ, जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH तो टर्शियरी एल्कोहल बनाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है. अब चूंकि ये रिएक्शन इसलिए बनाई जाती है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेल हो जाता है टर्शियरी, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होती है, तीन बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ये, तो हम ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं. तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन है. देखिए, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, जब इसका टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्ट करेंगे ईथर -78 हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो हमें प्राप्त होगी वो इस तरह से हमें प्राप्त होगी.
तो हमने इसकी रिएक्शंस में पढ़ा, फिर हमने इसकी रिएक्शंस में तीन रिएक्शंस पढ़ी। पहली रिएक्शंस हमने एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ जो कि हाइड्रोकार्बन देंगे, सेकेंडरी में हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये एल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे, तीसरा ये अल्कोहल बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हो गई। इसकी आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ, जैसे इपॉक्साइड्स है तो इसी के साथ इस कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।